कैसे हैं आप सब। आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक फिश करी। ये मैंगो से बनाया है, खट्टा वाला जो आम है कच्चा मैंगो से बनाया। ये बहुत ही टेस्टी होता है। अब देखिए कितना कलरफुल है, इसको ज़रूर ट्राई करिए। चलिए फिर देख लेते हैं मैं इसको कैसे बनाया। खट्टा फिश बनाने के लिए मैंने 5 पीस भांगोर फिश लिया। ये रिवर फिश है, बहुत टेस्टी है। ऐसे भी ये मसाला करी से बनता है, मैंने इसको आज खट्टा वाली फिश बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया ये ड्राई आम। कच्चा आम को हम लोग इसको काट के नमक लगा के सुखा लेते हैं, फिर स्टोर करते हैं। जब फ्रेश आम नहीं मिलता तब इसको हम खट्टा फिश बनाते हैं। इसके लिए चाहिए व्हाइट सरसों, और तड़का के लिए चाहिए ब्लैक सरसों और लाल मिर्ची सूखा हुई, और कुछ टूटा हुआ काजू लिया। सबसे पहले मैंने इस सूखा हुआ आम को चाकू से थोड़ा सा काट लेंगे, ऐसे ऐसे करके। ऐसे काट के फिर इसमें गर्म पानी डाल के आधा घंटा के लिए रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसको ढक देंगे, और इसके बाद मिक्सी में ये जार ले लिया मैंने, ये व्हाइट सरसों और ये टूटा हुआ काजू और ये ग्रीन चिल्ली, इसको डाल के हम पीस लेंगे। मैंने पीस लिया है, अभी इसमें मैं ऐड करूंगी ये जो मैंगो मैं भिगो के रखा था, इसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे मैश कर लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे, और मसालों में ये हल्दी लिया 1 टीस्पून, और रेड चिल्ली 1 टीस्पून, और नमक ले लिया स्वाद अनुसार, इसको भी हम इसी में ऐड करेंगे। फिर इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। इसको एक साइड करके अभी फिश को फ्राई करेंगे। अभी मैंने तेल गरम कर लिया है, इसी में फिश को फ्राई करेंगे। उठा लेती हूँ इसको, अभी इसी तेल में मैं ये मिर्ची दे रही हूँ। अभी थोड़ा सा भून जाने के बाद इसमें हम सरसों ऐड करूँगी, ब्लैक सरसों। भुना हुआ जो मसाला है इसमें मैंगो भी है, उसको डालूंगी। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, पानी थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें फिश डालूंगी। अभी इसमें मैं फिश ऐड कर रही हूँ, और गैस को मीडियम करके इसको
3-4 मिनट इसको पकाना है। अभी हो गया है 7-5 मिनट मैंने पका लिया। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चीनी जो खट्टा को बैलेंस करेगा, इसमें ऐड करेंगे। अभी हो गया है, मैं गैस बंद कर रही हूँ।